आज के समय में ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इससे पहले भी इन सुपर पावर्स के बीच आमने सामने की जंग हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 72 साल पुराने कोरिया जंग की, और तब 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया पर अचानक हमले से दुनिया दो भागों में बट गई, जहां एक तरफ चीन और सोवियत संघ जो नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार के साथ खड़े थे, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियों ने साउथ कोरिया का साथ दिया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 3 साल तक चली इस भीषण जंग में 28 लाख से ज़्यादा लोग और सैनिक मारे गए। आइए अब जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की लड़ाई में चीन और अमेरिका कैसे आमने सामने आ गए। तो दोस्तों, 1904 से पहले एक टापू पर कोरिया साम्राज्य का शासन था और लोग इसे कोरिया के नाम से जानते थे। दोस्तों, उस समय कोरिया पर कब्जे के लिए 1894 और 95 से लेकर 1904 और 5 के बीच तक चीन और जापान के बीच कई भीषण जंग हुई, लेकिन बाद में कोरिया पर जापान का कब्जा हो गया और सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार के बाद ही कोरिया को दुनिया के दो ताकतवर देशों ने दो भागों में बांट दिया, जिसे हम 38 पैरेलल लाइन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब सन 1950 में नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने साउथ कोरिया पर अचानक हमला कर दिया, और तब दूसरे विश्व युद्ध में जापान को परमाणु हमले के द्वारा सरेंडर कराने वाले अमेरिकी जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में एक सेना साउथ कोरिया पहुंची, और देखते ही देखते खतरनाक नापाक बम के साथ अमेरिकी फाइटर उड़ान भरने लगे। दोस्तों, उस समय अमेरिकी सेना के B-29 और B-51 बम वर्षक विमानों ने सिर्फ 4 महीनों के अंदर यानी अक्टूबर 50 तक आते आते नॉर्थ कोरिया के सभी गांवों को तबाह कर दिया, और जनवरी 1951 तक आते आते अमेरिकी सेना ने नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट सेना को न सिर्फ 38 पैरल लाइन के पीछे धकेला, बल्कि उन्हें यालू नदी के करीब भी पहुंचा दिया। दोस्तों, ये यालू नदी चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर स्थित है। ऐसे में अमेरिकी सेना के यहाँ आने से चीन को ये डर सताने लगा कि कहीं अमेरिकी जनरल मैकआर्थर अपनी सेना के साथ चीन की सीमा में ना घुस जाए, और तब शुरुआती हिचक के बाद चीन ने खुलकर नॉर्थ कोरिया का साथ देना शुरू कर दिया, और चीन के इसी डर ने उसे जंग में खुलकर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और तब चीन के सबसे बड़े नेता माओ का एक इशारा मिलते ही चीन के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मोर्चा संभालते हुए यालू नदी पे पहुंच गए, और देखते ही देखते इन चीनी सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला बोल दिया, और इनका हमला इतना अग्रेसिव था कि अमेरिकी सेना को पीछे लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तब चीनी एयरफोर्स ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए MiG-15 फाइटर जेट्स को जंग में उतार दिया, और नवंबर 2015 तक आते आते इन फाइटर जेट ने अमेरिका सेना के दिन में किए जाने वाले सभी हमलों को रोक दिया, और तभी अमेरिकी सेना 38 पैरल लाइन पर आकर ठहर गई, जहां दोनों देशों के बीच बॉर्डर था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, चीनी सेना के इस जवाब से अमेरिकी सेना के सर्वोच्च अधिकारी डकलस मैकआर्थर तिलमिला गए थे, और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन अचानक से इतनी बड़ी टक्कर देगा। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान को परमाणु हमले के द्वारा सरेंडर कराने वाले यही जनरल मैकआर्थर ने चीन के अलग अलग शहरों में परमाणु बम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था, और इस बात की जानकारी जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति को मिली तो वह हैरान रह गए, और इसके बाद जनरल मैकआर्थर को राष्ट्रपति को जानकारी दिए बिना जंग के दौरान बड़े फैसले लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया, और 27 जुलाई 1953 की संधि के लिए सभी पक्ष तैयार हो गए।
और एक बार फिर से सीमा वही 38 पैरेलल लाइन तय हो गई जो जंग से पहले थी। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।